कल्याण रेलवे स्टेशन से 2.5 वर्ष के बच्चे का अपहरण करने वाले दो लोगों को जीआरपी पुलिस ने किया 6 घंटे में गिरफ्तार। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 18 अगस्त गुरुवार सुबह के वक्त, सुबह तड़के बिल्कुल ये दिन शुरू भी नहीं हुआ था, उस वक्त की बात है। कल्याण रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर घुमंतू तौर पर जिंदगी गुजारने वाली महिला संजू राजवंशी ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अपने 2.5 साल के बेटे को एक जगह बिठाती है और कैंटीन पर वड़ा पाव लेने जाती है। संजू राजवंशी वापस लौटने के बाद देखती है कि बच्चा जगह पर नहीं है। प्लेटफॉर्म पर, स्टेशन परिसर में सब जगह खोजने के बाद संजू कल्याण के गवर्नमेंट रेलवे पुलिस स्टेशन में पहुंचती है। वहां पर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अविनाश आंदले और पुलिस निरीक्षक अर्चना दुसाने तथा उनके सभी अधिकारी और कर्मचारी शिकायत दर्ज होने के बाद इसकी जांच शुरू करते हैं। सबसे पहले सीसीटीवी कैमरों की जांच की जाती है, फुटेज खंगाले जाते हैं तो देख करके पुलिस भी हक्का बक्का रह जाती है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है, एक महिला रेकी करती है और उसके बाद एक युवक आता है, उस महिला का ही साथी है, और इस 2.5 साल के बच्चे को उठा करके सीधा निकल पड़ता है। बस इस सीसीटीवी फुटेज के हाथ लगने के बाद कल्याण गवर्नमेंट रेलवे पुलिस द्वारा, जीआरपी द्वारा 6 घंटों में इन दोनों को गिरफ्तार किया जाता है, बच्चा बरामद किया जाता है और उसकी मां को लौटाया जाता है। अमित शिंदे और पूजा मुंडे, इस तरह से इन दोनों आरोपियों के नाम पता चले हैं। जीआरपी पुलिस जो है आगे जांच कर रही है, इन्होंने इस तरह के अपहरण के कहीं और कांड तो नहीं किए, इनका आपराधिक इतिहास क्या है और फिलहाल ये कहां के रहने वाले हैं और कहां से जो है अपनी आपराधिक गतिविधियों को ये अंजाम देते हैं, इस बारे में पूरी जानकारी जो है उपलब्ध नहीं हो पाई है। पुलिस इस पूरे बिंदुओं पर जांच कर रही है। आज तारीख 18 रोजी पहाटे 4:30 वाजताच्या दरम्यान बिहार राज्यातून कामधंदा शोधण्यासाठी 3 दिवसापूर्वी आलेली महिला नामे संजू देवी राजवंशी वय 27 ही कल्याण स्टेशनला तिचा 2.5 वर्षाचा मुलगा नामे अक्षय याला प्लॅटफॉर्म नंबर 2 वर झोपवून वडापाव घेण्यासाठी बाहेर गेले असता कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने तिच्या मुलाचे अपहरण केल्याचे तिच्या लक्षात आले। तिने रेल्वे पोलिसांना येऊन माहिती देताच बीबी पथकाचे अधिकारी देशमुख साहेब आणि त्यांच्या टीमने सीसीटीव्ही फुटेज, कल्याण स्टेशनचा पूर्ण परिसर, आजूबाजूचे रिक्षावाले, टॅक्सीवाले यांच्या मदतीने शोध घेऊन 7 तासाच्या आत अपहरण केलेल्या बालकासह एका महिला आरोपी व एक पुरुष आरोपी यांना उल्हासनगर परिसरातून ताब्यात घेतलेले आहे। अशा प्रकारे मूल अपहरण झाल्यानंतर 7 तासाच्या आत सदरचा गुन्हा, गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा उघडकीस आलेला आहे। हे आरोपींचं नाव आहे पूजा राजेश मुंढे आणि अमित धनंजय शिंदे। हे दोघेही छोटे मोठे व्यवसाय करून पोट भरत असल्याचे दिसून येत आहे, परंतु त्यांचं एकमेकाशी नातं काय आहे, त्यांचा नेमका व्यवसाय काय आहे, त्यांच्या मागे अजून कोणी साथीदार आहे, अगर रॅकेट आहे, याचा शोध त्यांना आता अटक केल्यानंतर उद्या कोर्टाकडनं मिळणाऱ्या रिमांडवर तपास करणार आहोत।
दादा दादा तुझे झालं तुझं